वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ हेयर हैक्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जिनको यूज़ करके, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ थोड़ी ईजी, थोड़ी सिंपल बना सकते हो। तो बिना डिले करते हुए देखते हैं कि मैं आज क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने नॉर्मल पोनी टेल को कुछ सिंपल ट्रिक्स यूज़ करके कैसे थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो, कैसे थोड़ा क्लासी बना सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ मुझे बताना कि इन सारे हैक्स में से कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहले एक कोम की हेल्प से आपको अपने बालों को प्रॉपरली कोम कर लेना है ताकि बालों में जो भी टैंगल्स हो वो ठीक हो जाए, बालों में कोई भी उलझन ना रहे। उसके बाद आपको अपने बालों में दो पार्टीशन करने हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, और अपने बालों को प्रॉपरली पीछे करते हुए आपको एक पतली से रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लेनी है। पोनी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आपकी पहली पोनी, अपर हाफ की पोनी रेडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइट मत बना लेना क्योंकि आगे जाकर के आपको इसे थोड़ी लूज़ करनी ही है। पोनी रेडी होने के बाद उसे अपने सर के आगे की तरफ कर लेना ताकि जब आप दूसरी वाली पोनी बनाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नीचे के बालों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए सारे बालों को एक पतले रबर बैंड की हेल्प से आपको एक सेकेंड पोनी बना लेनी है जो आपकी लोअर हाफ की पोनी होगी। ध्यान देना दोनों पोनीज के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने दो पोनीज बना ली है, दोनों बिल्कुल पास पास बनी है। अब मैं क्या करूँगी, अपने पहले वाली पोनी को थोड़ा लूज़ करूँगी, बीच में से एक गैप क्रिएट करूँगी और उस गैप में से जो मेरी पोनी है उसे निकाल लूँगी। तो ये हो गया एक ट्विस्ट आपने अपनी पोनी। उसके बाद आपके फर्स्ट पोनी के बीच में जो गैप है उस गैप में से अपने फिंगर्स की हेल्प से जो आपने लोअर पोनी बनाई है उस पोनी को फर्स्ट पोनी के अंदर से निकाल लो। फर्स्ट पोनी को टाइट करो और ये हो गया आपका लॉन्ग पोनी रेडी। आप देख सकते हो रबर बैंड्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, पोनी टेल आप जब बनाते हो तब तो बहुत हाइट होती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे खिसकती जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बॉबी पिन लेना है और उल्टी तरफ से अपने रबर बैंड में उसे अटका देना है, ठीक है। मेरे बाल थोड़े हैवी हैं तो मैं दो बॉबी पिन ले रही हूँ, आपको अगर दो या तीन यूज़ हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसको अपने रबर बैंड के आसपास रैप कर देना है ताकि आपका जो रबर बैंड है उसका कलर विजिबल ना हो। इससे आपके रबर बैंड तो हाइड हो ही रही है, ऊपर से जो आपने अपने दो बॉबी पिन्स लगाए हैं ना वो भी हाइड हो रहे हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि आपके हाई पोनी का राज क्या है। अब ये जो थर्ड हैक या हेयर स्टाइल मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को तीन पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। जो आपके लेफ्ट और राइट साइड का पार्टीशन होगा वो आपके सेंटर वाले पार्टीशन से थोड़ा पतला होगा। उसके बाद पतले पतले रबर बैंड्स लेने हैं और आपके तीनों पार्टीशंस को पतली पोनी टेल्स में कन्वर्ट कर लो। देख रहे हो कैसे मैंने अपने बालों में तीन पोनी टेल्स बना लिए हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, अपने तीनों पार्टीशन को पोनी टेल्स में कन्वर्ट कर लो। अब अपना पहला पतला पोनी टेल लो, लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी चॉइस है, इसमें से अपने फिंगर्स की हेल्प लो और बीच वाला पोनी उस गैप के बीच में से निकाल के अपनी पोनी को टाइट कर लो। सेम चीज़ आपको दूसरी साइड से भी करना है,
पोनी को लूज करो, फिंगर्स की हेल्प से उसमें एक गैप बनाओ, अपना मिडल वाला पोनी लो और उसे उस गैप के बीच में से निकाल लो, और जो लास्ट में पोनी है उसे थोड़ी टाइट कर लो। तो बन के तैयार हो गई है आपकी मस्त पोनी टेल जिसमें रबर बैंड विजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।